कुल्लू मंडल भाजपा की ओर से 21,78,000 से अधिक की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष व पीएम केयर फंड में दी गई है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि 14 अप्रैल से ही कुल्लू भाजपा मंडल के विभिन्न बूथों को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया गया था और 1600 लीटर सैनिटाइज की खरीद की गई, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर बूथ पर पहुँचाया गया ताकि गाँव को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा सके। महेश्वर सिंह ने बताया कि 54,000 की खरीद से मास्क के लिए कपड़ा भी खरीदा गया और 10 मीटर से 100 मास्क तैयार किए गए। वहीं अभी यह प्रक्रिया चली हुई है। शुद्ध रूप से पीएम और सीएम कोविड फंड में गया है, उसका टोटल आज पिछले कल दिन तक का 21,78,000 और 61 रुपए है। इसमें केवल वो पैसा है जो कुछ लोगों ने बोल कर दिया मेरे को, चाहे कैश में दिया, चाहे वो ड्राफ्ट दिया, चाहे वो चेक दिया, वो सारे का सारा गया। और इसमें वो भी जुड़ा है जो हमारे थ्रू पैसा गया, तो टोटल ये गया है। इसमें देवी देवताओं का फंड भी अलग निकाल के बताया है, वो मैं आपको बाद में ये डिटेल निकाल देंगे कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, इतना गया है। और जो मेरे पास फंड जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, जिसके लिए हमने कहा, शुद्ध रूप से कहा था कि हम सैनिटाइजेशन करेंगे 100% स्टेशनों की और कपड़ा मास्क का पूरा करेंगे, उसका खर्चा भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब अगर वो कपड़ा देखें तो आपके 1350 मीटर कपड़ा, ये 4,000 रुपये प्रति 100 मीटर कपड़ा मिलता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।